स्वागत है द डागर फैमिली के अगले ब्लॉग में। आज देखिए दोस्तों, मेरा हेयर स्टाइल देखिए, आज ये मेरी सिस्टर ने किया है, मुझे नहीं करना आता, फिर मैं कोशिश करूँगी सीखने की। और अब मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें मेरी बेटी के लिए लेने हैं शूज़। तो अब देखते हैं हमें वहाँ पर क्या क्या पसंद आता है और फिर हम क्या क्या खरीदते हैं या हम क्या क्या करते हैं, तो वो आगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिर आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, बड़े दिलचस्प वीडियोस हम लाइक करेंगे और जैसे जैसे हमारे लाइक्स और व्यूज़ बढ़ेंगे हमारा मोटिवेशन होगा और हमारी जो व्लॉग जो हैं वो और अच्छी तरीके से बन के आएंगे और आपको पसंद आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। बेटी ये देखना, मतलब दोनों में से ट्राई कर ले। एक तो वो ग्रीन दिखाया था ना, ग्रीन वो दे रहे हैं भैया, दे रहे छोटा साइज दे रहे बिटू, हाँ ग्रीन। और ये एक इस ब्लू का और मंगवा दो भैया, हाँ डा ब्लू भी बड़ा प्यारा लग रहा है। शूज जो कंफर्टेबल हो वो देखिए बिटू, तूने सॉक्स तो मोटी पहन रखी बिटू। मैम अब इसको लूज करोगे ना, लूज हो जाएगा आपका ये, अगर इसे बड़ा तो दिखा दूंगा एक बार। तेरे मामा जैसा दोनों डालो, मैं दोनों डाल दूँगा आपके पास। ये हमारे घर में 10 नंबर भी गया हुआ है। अच्छा अच्छा, और पिछले साल गया हुआ है, इस साल भी नहीं बिकता इतना है, कंपनी बंद ही नहीं कर रही है इसको। पिछले साल गया हुआ है, मेरे भाई की शादी थी 25 नवंबर को, वो यहाँ से शॉपिंग करके गया था, उसका सेम शूज 10 नंबर में। अच्छा, इसमें और कलर है, इसमें ब्लैक आएगा मैम, ब्लैक रखो ना ये वाला सेकंड कलर। नहीं ऑरेंज ही अच्छा लग रहा है, ले ले मामा जैसे ही ले ले, कंफर्टेबल हो तो। और वो ग्रीन ट्राई करेगी, ग्रीन ग्रीन एक बार ग्रीन और कर लेना, ग्रीन ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ग्रीन भी प्यारा लग रहा है, दोनों अच्छे लग रहे हैं। बड़ा है, गड़ा बड़ा ला देंगे ना भैया छोटा। मानसू इसमें फोटो देना, मानसू फोटो देना, ये अपर वगैरह भैया कैसे हैं? अपर में 50% स्कीम चल रही है आपके इसमें, मतलब लो और अपर स्लीपर तो कुछ मिला के ले लो, आपका कंपनी लोगों जितने प्रोडक्ट हैं सारे 50, मतलब मुझे कितने का पड़ेगा ये? शायद 2300 रुपये 2500 तक से मार्क हो गए, 2000 से 2500 के अंदर मिल जाएगा सारी वैरायटी आपको। पूरा पेयर, पूरा पेयर मिलेगा अपर 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 2500 रुपये मार्क हो 2350 स्कीम के लिए। ओके ये भी ठीक है, तो तुझे कौन सा लेना है? कोई सा भी ले लो। ले मैंने देखा तो एक दुकान पर पड़ी है, नाम है पता। ये 41 नंबर आता है, और ये ग्रीन वाला चाहिए? हाँ ग्रीन वाला। भाई हाँ जी, 300 400 जो बता दे।
इतने शूज कपड़ा नहीं लो पर लग रहा है लाइट लाइट नहीं हो यार ये लगे बड़े देखो ऊपर हाँ पर तेरे पास येलो है इन दोनों में ही देख तो एक कंफर्ट देख लेना फोटो मत लेना क्या लेके आए हो जूते ये दिखाओ 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 वाओ मेरे को पसंद ये हैं आशी के शूज कपड़े और दिखाओ तो बहुत सुंदर थे और दिखाओ गल ये देखो तो ये किसका है ये है नाइट ड्रेस किसकी ये आशी की नाइट ड्रेस मेरी नहीं है कैसी लग रही है अच्छी और दिखाओ ये देखो भाई ये देखो ये आशिका वो देखो आशिका उसकी कैप देखो कैप पिकाचू और ये दिखाओ परी खोलो इसको परी खोल के दिखाओ हाँ वाव और दिखाओ और दिखाओ परी दिखाओ ये देखो ये भी दिखाओ देखो वाव वाव और दिखाओ कितनी अच्छी खुशबू है वाह जी वाह और ये है मैंगो की टॉफी अबे मैंगो नहीं है खांसी की दवाई है वाह जी वाह इसमें फ्लेवर कौन सा है इधर चलो भाई खा के देखो मजा आया कैसा लगा चॉकलेट जूस पी के चॉकलेट शेक पिया और अभी से दिमाग खाया और क्या खाया भेल भेल भी खाई कट्टी कट्टी हो गई गोलू क्यों मेरे लिए कुछ लेना है मीशो के लिए लाई है हेलो दोस्तों तो आज हम अब बना रहे हैं एक फाइल जो कि है कंज्यूमर अवेयरनेस पे अब ये देखिए हमारे पास है प्लेन शीट्स कुछ कलरफुल शीट्स कुछ ब्लैक शीट्स हैं अब उसमें हम डेकोरेशन करेंगे और हम एक प्रोजेक्ट फाइल फटाफट तैयार करके आपको दिखाते हैं ये देखिए दोस्तों मैंने ये जो फाइल है इस पर आउटलाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर देखो एक छोटा सा बो बनाया है मैंने चारों तरफ आउटलाइन कर दी है इस कर दिया अब इस पर कलर होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लगेगी हेलो दोस्तों देखिए आज मैंने एक फ़ाइल बनाई है आप जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चों की फाइल्स जो हैं हेलो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज मैं सुबह से फाइल बना रही थी बहुत ज़्यादा मतलब मैंने पेज बना दिए हैं अब कल ये मुझे सबमिट करनी है तो फिर अब मैं मार्केट कैसे जाऊँ फाइल का कवर लेने तो मैंने एक आइडिया सोचा है मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि वो मैंने कैसे कैसे बनाया है तो मैं क्या करूँगी कि खुद ही जो है फाइल का जो फ्रंट जो पेज होता है वो खुद ही मैं बना रही हूँ तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको दोस्तों मैंने एक जो ये फाइल है ये मतलब एक रजिस्टर था मेरे पास जो पुराना है उसका मैंने गत्ता जो है वो फाड़ लिया है और मैंने ऐसे छेद करके इसमें से जो थ्रेड हैं वो मैंने निकाल लिए हैं वो मैंने थोड़े से डेकोरेशन वाले थ्रेड से लिए हैं अब मैंने क्या लिया एक चार्ट पेपर लिया है उसको मैंने हाफ ऐसे करके और हाफ फोल्ड करके हाफ को इधर छोड़ दिया है और मैंने ये हाफ जो है ये मैं इस रजिस्टर के चारों तरफ ऐसे करके चिपका दूंगी ठीक है तो इसको चिपका रही हूँ
एक पूरा चार्ट पेपर ले लिया था और मैंने इसको कर दिया था हाफ। हाफ करने के बाद मैंने फाइल से बड़ा, मतलब जो मेरे फाइल के पेज होते हैं उनसे बड़ा जो है, किसी भी रजिस्टर का गत्ता हो या किसी भी चीज़ का गत्ता हो, आपको कट कर लेना है और उनमें पहले से ही आपको पीछे से थ्रेड निकाल लेना है। और मैंने देख सकते हैं दोस्तों, पहले मैंने ये चिपका दिया है चारों तरफ से, ये जो है एक्स्ट्रा जो चार्ट पेपर था वो इसी पे चिपका के और इसको ऐसे टर्न करके जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो थ्रेड है हमारा इसको हम इसमें से निकाल देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने जो थ्रेड था वो अच्छी तरह से निकाल लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से बिठा के, ये जो ग्लू है ये मैं अंदर भी कॉर्नर पर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी। ये अंदर की तरफ ज़्यादा और मैं इसको अच्छी तरह से, देखो ये मैंने अंदर की तरफ ज़्यादा लगा दी है और मैं इसको अच्छी तरह स्प्रेड करके फिर इस पर ये जो चार्ट पेपर है ये मैं चिपका दूँगी। और ये हो गया जी हमारा फाइल तैयार। अच्छी लग रही है। अब मैं इसको डेकोरेट करने के बाद आपको फाइनल जो है वो लुक दिखाती हूँ। अब मैं इसको करूँगी डेकोरेट। डेकोरेट करने के बाद ये कैसी लगती है वो मैं आपको दिखा। ब्यूटीफुल ये देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको डेकोरेट करना शुरू किया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ से ये इस तरीके की जो लेस है ये लगाना मैं शुरू कर रही हूँ। ये देखिए ये यहाँ तक मेरी हो गई है। अब मैंने इसको कट कर दिया। तो मैं इसी तरीके से चारों तरफ इसको लगा दूंगी। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारी जो फाइल है वो कितनी सुंदर लगी। मैं यहाँ पर भी ग्लू लगा के इसको अच्छे तरीके से चिपका दूंगी। यह देखिए दोस्तों, ये हमारी चिपक गई और ये वाली भी यहाँ से ऐसे अच्छे तरीके से चिपका दूंगी। ये हमारी चिपक गई है, एक्स्ट्रा मैंने कट कर दी है। अब मैं इस तरह भी हमारी लास्ट साइड जो है, लास्ट साइड में भी हम लगा। ये हमारी लास्ट साइड, ये हमारी लास्ट साइड भी तैयार हो।
अरे बस लगी मैं तुम्हें पाती हाँ लगाओ लगाओ मुझे ना लगाओ इधर लगा छवि तो इधर उधर मत हाथ कर लो ये फॉइल पेपर है ये फॉइल पेपर नहीं है मेरे पास फॉइल पेपर जो था वो एक्चुअली ख़त्म हो गया तो मुझे सिल्वर कलर का वैसे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ा तो ये मैंने झाड़ू का रैपर है तो मैंने देखा है मेरे पास झाड़ू का जो रैपर है वो उल्टा करने से सिल्वर कलर का लग रहा था अरे मुझे तो मैंने सिल्वर कलर की जगह झाड़ू फाड़ दिया झाड़ू के टुकड़े टुकड़े कर दिए बेचारा झाड़ू वो भी बुरा मार रहा होगा ये देखिए दोस्तों ये हमारा इतना सुंदर लगेगा ना ऐसे लग रहा है कि मोरनी का पैर है तारक मेहता का लेटा है छवि इधर वाले तारक मेहता के हम टीआरपी बढ़वा रहे हैं हमारे फैंस तारक जरूर देखना तेरे तो ज्यादा फैन है यस तारक मेहता देखना हमारा चैनल देखना जब भी तारक मेहता देखना प्रमोट करो परी तारक मेहता का फैमिली डागर फैमिली तारक किधर रह गया छवि परी इधर रह गया और छवि आप इधर लगा दो तारक भाई बच्चे खेलते हैं रोज खिड़कियों के कांच तोड़ देते हैं चलो अब ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है अब मैं इसको फाइनल टच देने के लिए क्या करूंगी टच मेरे पास है ये मैं ये ग्लिटर ट्यूब वो भी सिल्वर मौसी ये क्या कर रहे हो मैं सिल्वर फाइनल टच ये तो आपने हटा दिया वो अपने आप हो जाएगी इस पे गोल्डन कलर कर देते हैं नहीं मैं इसको फाइनल टच दे रही हूँ किसकी प्रैक्टिकल फाइल बन रही है ये आज सुबह से बना रही हूँ मैं पागलों की तरह दोपहर और ये मेरे बेटे की बन रही है शौर्य की शौर्य आपका बेटा हाँ और जैसे तू मेरी बेटी है वैसे वो ही मेरा बेटा है अच्छा मतलब कि सगा वैसे नहीं है वैसे नहीं है मतलब कैसे नहीं है सगा नहीं है तो मतलब मुझे अगर छवि की प्रैक्टिकल फाइल आएगी तो मुझे नहीं बनानी नहीं बनानी मेरी बना दे बनानी तो वो मुझे नहीं बनानी हां मुझे मेरी बना देना उसकी मत बनाना तेरी क्यों बनानी है क्यों क्योंकि ये डोर है तेरी टाइम पे तो आशी बनाने लायक हो जाएगी आशी बनाया करेगी आशी के ऊपर आया करेगी दबाव फिर मौसी बुढ़ी हो जाएगी इतने बुढ़ी हो गई अभी भी मौसी तो कुछ उतनी बुढ़ी हो रही है अभी मौसी आपको क्या हो गया यहाँ पे कुछ लिख तो दो नाम आप लिख दो शौर्य का अब बताओ यहाँ पर क्या लिखना है खाली जगह पे शौर्य लाठ है शौर्य का स्कूल शौर्य के स्कूल का नाम पर नाम का नाम उसका प्रैक्टिकल फाइल पे लिखा हुआ है वो फर्स्ट पेज पे अच्छा तो फिर शौर्य के स्कूल का नाम क्या है द्रोण आचार्य पब्लिक स्कूल यहाँ पर कुछ लिखो खाली छोड़ दो नहीं लिख दो तो मेरे ख्याल से तो खाली छोड़ देती हूँ नहीं लिख दो फैमिली को देखते प्रोजेक्ट लिख दो एसएससी प्रोजेक्ट लाठ फैमिली को देखो मैंने बनाया दिखाइयो मुझे भी देखना है घटिया है मौसी ने इतना अच्छा बनाया था वो ये ये किसने बनाया ये मौसी ने वो रेड कलर का किसने बनाया था सोशल साइंस या सोशल स्टडीज साइंस साइंस नहीं स्टडी होता है एसएसटी स्टडी
In your class 3B, Dronacharya Public School, school name. मौसी की आखिरकार मेहनत पार लाई। अगर मैम ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए उसको तो मौसी कुछ नहीं कर सकती। फोड़ाएंगी मैम को ही। वो तो पैर से मेहनत की हुई। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो पूरी प्रैक्टिकल फाइल है वो बन के तैयार हो चुकी है। और ये मैंने बनाया है। इसका भी मेहनत की हुई आपने। ना कष्ट क्यों उठा दिया? मैंने इतनी मुश्किल से बनाया। बस अभी सुन दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द डागर फैमिली में। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो ये देखो दोस्तों, ये मेरा बेटा गाजर छील रहा है, फिर इनको कसेगा। ये हमने गाजर ले लिए, ये यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है बड़ी, ये हमने दूध ले लिया है। अब हम गाजर का हलवा बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसको मैंने धो के ही रखा है। अब इसमें देखते हैं, जैसे आप देख रहे हो हल्का सा पानी है, वो इवेपोरेट होने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें हल्का सा आधी चम्मच में घी डाल दूँगी ताकि जो हमारा जो दूध है वो नीचे ना लगे। तो अब देखिए देखिए, थोड़ा बहुत तो पानी अभी भी है, तो जब ये पानी बिल्कुल सूख जाएगा तब मैं इसमें घी डाल दूँगी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए, हमने गैस की फ्लेम तो फुल कर रखी है क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो काफ़ी बड़ी है। ये देखिए, अब हल्की सी जो भाप है वो उठनी शुरू हो गई है, एवेपोरेट होने लग गया है ये। अब ये जल्दी से सूख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं इसमें। अब जैसे ये देखिए देखिए देखिए, अब हमारा जो है ये पानी जो है ये सूख चुका है। अब मैं आपको, अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ और सारा दूध डाल देती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अब इसमें जो घी था वो डाल दिया है। अब मैं इस घी को क्या करेंगे, चारों तरफ अच्छे से, ताकि ये मेरी कढ़ाई में चारों तरफ जो है वो अच्छे से लग जाए। ये मेरा घी जो है वो अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारा ये 2.5 किलो दूध। ये देखिए, पूरा 2.5 किलो दूध है। गाजर का हलवा बनाने के लिए आप फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फुल क्रीम दूध में क्या होगा, क्रीम बड़ी अच्छी आएगी। क्रीम अच्छी होगी तो आपका गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बनेगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने क्या किया है, ये पूरा जो दूध है ये मैंने अब इसमें डाल दिया है। मेरा बेटा जो है वो गाजर कस रहा है, और जब ये जैसे जैसे बॉईल होंगी मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें गाजर डाल दूँगी इसके बॉईल होने के बाद। ये देखिए दोस्तों, हमने जो घी डाला था ना वो ऊपर ही आ चुका है। घी का भी टेक्सचर आएगा और खोए का भी आएगा, तो आपका जो गाजर का हलवा है वो बहुत ही यम्मी बनेगा। आप गाजरों को बिल्कुल जो बारीक है वो बारीक कस लें ताकि दूध में वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो दूध में अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे तो बिल्कुल टेस्टी ही निकलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पूरी की पूरी जो गाजर है वो कस के मैंने दूध में डाल दी है। देखिए, ये अच्छी तरीके से बॉयल हो रही है। अब मैं बीच बीच में क्या करूँगी, ये जो साइड का जो जम रहा है इसको हिलाती रहूँगी, कंटिन्यूस हिलाते रहें। ये गाजर जो है वो अपने आप ही दूध में अच्छी तरह के पक जाएंगी। और फिर देखो, अभी तो इनका दूध कितना ज़्यादा है, थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इनका जो दूध है वो बिल्कुल ही सूख के मावा बन जाएगा, और ये जो गाजर है ये बिल्कुल उसमें अच्छी तरीके से मिल जाएंगे।
इस तरीके से आप गाजर का हलवा बना के देखें, बहुत ही थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर ये वाला गाजर का हलवा वैसे वाले गाजर के हलवे से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि ये कैसे बन के तैयार हो गया। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आता जा रहा है इसमें। थोड़ी देर में इसका जो दूध है वो बिल्कुल ही खोआ बन जाएगा। ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये चल रहा है, टेस्टी लग रहा है। ये देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है। मैंने देखिए यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है उनकी कटिंग कर ली है। क्या क्या है इनमें? इसमें काजू, बादाम, किशमिश, काजू भी है, मैंने कटिंग कर ली है। और ये जब थोड़ा सा इसका पानी और सूख जाएगा, मतलब दूध और सूख जाएगा, हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों पानी जो दूध है वो मोस्टली जो है वो सूख चुका है। तो अब हम इसमें जो हमारी चीनी है वो चीनी डाल देंगे। चीनी में थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी ताकि एकदम ज़्यादा मीठा भी ना हो जाए, क्योंकि गाजर थी वो भी मीठी है और जो दूध है दूध से मावा बना है वो भी हल्का सा मीठा ही होता है। तो मैं जितनी चीनी सही लगे उतनी मैंने डाल दी। जब ये बिल्कुल घुल जाएगी तो हल्का सा टेस्ट करके मैं चेक कर लूँगी और फिर और चीनी डाल दूँगी। चीनी डालने के बाद देख सकते हो आप ये हल्का सा फिर पानी छोड़ जाता है, क्योंकि चीनी जो है वो भी पानी छोड़ेगी। तो अब हमें इसको फिर सुखाना है और जब ये सूख जाएगा तब हम इसमें ड्राई फ्रूट जो है हमारे मिला देंगे। ये देखो, ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो पूरा जो पानी है वो दूध बिल्कुल खोआ बन चुका है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी इसमें, ये मतलब तकरीबन 2-3 मिनट और पकेगा ताकि ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सूख जाए। पर इस टाइम ना इसको चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि लग गया तो बहुत गंदी स्मेल आएगी। इस टाइम इसका खास ध्यान रखना है, इसको चलाते रहना है। अब मैं क्या करूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम अपने डाल देंगे ताकि जो किशमिश है वो भी अच्छे से हो जाए। और ये देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट चले गए हैं। अब ये हमारी बेटी का भी खाने हैं। ये हमारे ड्राई फ्रूट सारे के सारे जो हैं वो डल चुके हैं। और ये गधे के लिए दिखाना। हे भगवान, ये देखिए दोस्तों रागी डालने के बाद ये और ज्यादा सुंदर हो चुका है। अपने रह जाए मूडा कॉल भाई। क्या हो गया?